नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट की न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और आज है बहुत ही जबरदस्त अपडेट। तो बिना देरी किए चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं अपनी वेल्थ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को रिमाइंड करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हर रोज की तरह पहला अपडेट ले लेते हैं मार्केट की तरफ से, जहां पे कि निफ्टी 77 पॉइंट और सेंसेक्स 299 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। तो बेसिकली आज के दिन की मैं आपसे बात कर लेता हूं, तो आज के दिन में हुआ क्या। मॉर्निंग सेशन में जब 9:15 पे मार्केट खुला था तो यहाँ पे कुछ जबरदस्त सेलिंग आई, कुछ कोटक बैंक में आई, कुछ बंधन बैंक तो ऑलमोस्ट लोअर सर्किट पे था, तो थोड़े से जो हैवी वेट स्टॉक्स थे उनमें काफ़ी तेजी से सेलिंग आई थी और मिड कैप भी काफ़ी तेजी से पिटे थे। करीब करीब मिड कैप इंडेक्स भी 300 पॉइंट नीचे चली गई थी। तभी यहाँ पे 1 बजे जो पॉजिटिव न्यूज़ आई थी जो कि ILNFS ग्रुप की तरफ से थी, जहाँ पे कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बोर्ड को चेंज कर दिया है यहाँ पे, और जो नाम निकल के आ रहा है वो उदय कोटक का आ रहा है कि जो कि आगे इस कंपनी को संभालेंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में आई जिसके कारण निफ्टी जो 80 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा था वो एकदम से रिकवर करके और फुल डे रिकवरी चलती रही 1 बजे के बाद और जाके ऊपर 77 पॉइंट जाके ऊपर बंद हुआ है। तो ये बेसिकली मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ पे गवर्नमेंट एक्शन ले रही है और बहुत ही जल्द इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। अगर ये आने वाले 10-15 दिन में ये चीज़ें सारी सॉल्व आउट हो जाती है तो मार्केट यहाँ पे आपको जो सेल ऑफ है वो रुकता हुआ दिखाई देगा और एक बार फिर से मार्केट तैयार हो जाएगा एक बड़े बाउंस के लिए, जहाँ पे मिड कैप इंडेक्स 20,000 तक जा सकती है, इवन निफ्टी 10,500 तक भी 11,500 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे टॉप 3 गेनर और टॉप 3 लूजर की बात करूँ निफ्टी में, तो यहाँ पे गेनर में रहे यस बैंक, हिंडाल्को और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। बेसिकली ये तीनों स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पिटे थे तो इन्हीं में ही आज बाउंस बैक आया है। लूजर्स की बात करूँ तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल सबसे बड़ा लूजर रहा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर आपका एक्सिस बैंक। अगला अपडेट ले लेते हैं, यहाँ पे बेसिकली आ रहा है SBI की तरफ से कि SBI ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है कि वो अक्टूबर में बेसिकली यहाँ पे 31 अक्टूबर से जो ATM कैश विड्रॉल की जो लिमिट है पर अकाउंट की उसको पर डे में 20,000 रुपये करने वाले हैं। बिकॉज जैसा कि फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, लोगों को पैसे की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और लोग ATM से ज़्यादा पैसे निकालते हैं, तो सबके लिए निकले अच्छा निकले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा थोड़ा सब लोग यूज़ कर लेंगे तो सबका फेस्टिवल सीजन अच्छा जाएगा। अगला अपडेट ले लेते हैं, यहाँ पे अगला अपडेट आ रहा है बेसिकली यहाँ पे ब्रांड ऑयल की तरफ से कि जहाँ पे ईरान ने सेंक्शन किए हैं कुछ चीज़ें जिसकी वजह से क्रूड का जो प्राइस है और हाई जा रहा है, और यहाँ पे ट्रेडर जो अब बात कर रहे हैं वो बेसिकली $90 प्रति बैरल की बात करने लगे हैं। तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में आपको $90 पे भी क्रूड ट्रेड होता हुआ दिखाई दे। अगला अपडेट ले लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है बजाज की तरफ से, जहाँ पे कि बजाज ने बेची हैं यहाँ पे 5 लाख गाड़ियाँ, जी हाँ 5 लाख बाइक्स यहाँ पे बेची हैं, और जो कि यहाँ पे जो बाइक का जो सेल्स अप है वो है 17%। तो पिछली बार उन्होंने 4.3 लाख बेची थी, इस बार इन्होंने 5 लाख गाड़ियाँ बेची हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है बजाज के लिए। अगला जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है मारुति की तरफ से कि मारुति के जो सेल्स आंकड़े हैं उस पर केरला फ्लड का ज़्यादा बड़ा हिट नहीं लगा, मात्र जो इनकी सेल्स फॉल हुई है वो है 0.5% की, जो कि है 1.62 लाख यूनिट। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसलिए मारुति के स्टॉक ने भी इस चीज़ को पॉजिटिव लिया और एंड में जाके 2% ऊपर जाके बंद हुआ। यहाँ पे अगला अपडेट ले ले रहे हैं जो कि PNB फ्रॉड का था, जो कि नीरव मोदी का था, कि यहाँ पे ED ने करीब करीब 637 करोड़ की प्रॉपर्टीज जो नीरव मोदी की थी उनको जब्त किया है कुछ 4-5 कंट्रीज के अलग अलग के। अगला अपडेट ले लेते हैं बेसिकली यहाँ पे आ रहा है HPCL, IOC, BPCL की तरफ से, जहाँ पे कि मॉर्गन स्टैनली ने इनका टारगेट है उसको कट कर दिया, जिसकी वजह से आज स्टॉक ऑलमोस्ट 4-6% गिरे भी थे और कुछ तो गिर के ही बंद हुए हैं। यहाँ पे अगला अपडेट ले लेते हैं, बेसिकली आ रहा है यहाँ पे अशोक लेलैंड की तरफ से कि इनकी जो सेल्स के आंकड़े आए थे वो काफ़ी अच्छे आए थे और करीब करीब 26% की यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दी है, 19,373 यूनिट इन्होंने इस पिछले महीने में अपनी जो LCV की जो बिक्री है वो इतनी रही है। अगला अपडेट ले लेते हैं वो आ रहा है बेसिकली यहाँ पे मैक्वारी की तरफ से कि मैक्वारी ने ITC का बेसिकली टारगेट को अपग्रेड किया है और यहाँ पे आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, क्योंकि यहाँ पे सिगरेट वॉल्यूम्स हैं वो बहुत ही जल्द इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे, और भी यहाँ पे जैसा कि फेस्टिवल सीजन पास आ रहे हैं तो लोग ज़्यादातर छुट्टियाँ लेते हैं और छुट्टियों में लोग ज़्यादा कंजप्शन भी करते हैं सिगरेट्स वगैरह का। अगला अपडेट ले लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे BSE की तरफ से, जैसा कि आज 1 तारीख है और आज से BSE ने गोल्ड और सिल्वर के जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं वो BSE पे भी ट्रेड होने लगे हैं। तो ये जो आपको ज़रूरी नहीं है वो आपको MCX जाके
आपने ये ट्रेड डालने हैं गोल्ड और सिल्वर के, आप BSE पे भी डाल सकते हैं। अगला अपडेट ले लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो गवर्नमेंट है उन्होंने परमिट दे दिया है, जो इलेक्ट्रोड इंडस्ट्रीज हैं वो इम्पोर्ट कर सकती हैं पेटकोक, तो जो इलेक्ट्रोड बनाती है कंपनियाँ उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो अगला अपडेट ले लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली अगला अपडेट आ रहा है बंधन बैंक की तरफ से, जहाँ पे कि RBI की गाज से बंधन बैंक 20% के लोअर सर्किट पे बंद रहा है पूरे दिन, जहाँ पे कि RBI ने ये बोला था कि जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी को जल्दी से जल्दी कम करिए ताकि और लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, बट प्रमोटर्स ने 27 अगस्त तक ये चीज़ नहीं करी थी। तो RBI ने यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं, जहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है MD CEO हैं उनकी सैलरी को यहाँ पे फ्रीज कर दिया है और बैंक को ये बोला है कि आप नई ब्रांचेज अब नहीं खोल सकते जब तक आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसके चलते यहाँ पे आज स्टॉक की पिटाई हुई और 20% लोअर सर्किट पे बंद रहा। अपडेट आ रहा है बेसिकली महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से, जहाँ पे कि इनकी जो ट्रैक्टर सेल्स है वो 1% स्लिप हो गई है और करीब करीब जो टोटल सेल्स जो अप आई है गाड़ी वगैरह सबकी मिला मिल के वो 2% अप आई है। अगला अपडेट ले लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली आ रहा है कल्पतरु पावर की तरफ से कि जहाँ पे इनको ऑर्डर मिल गया है 1,145 करोड़ का। अगला अपडेट ले लेते हैं बेसिकली जो आ रहा है ILMFS की तरफ से, जहाँ पे NCLT ने अप्रूव कर दिया है कि उदय कोटक जो कि करेंटली फाउंडर एंड MD & CEO हैं जो कोटक महिंद्रा बैंक के, वो बेसिकली अब ILMFS के न्यू चेयरमैन बनेंगे और इस कंपनी को वो उभारेंगे। ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, इसी के चलते मार्केट में आज रिकवरी भी देखी गई है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के अपडेट्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आई होप ये सारे अपडेट आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।